वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो देखेंगे जो भी छात्र बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने की बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो टाइमिंग आ गया है, मतलब कि आपको नोटिफिकेशन आ गया है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म का कि कब से फिल होने वाले हैं। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, आप सिंपल सरकारी डॉट कॉम पर जाकर देख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ सरकारी डॉट कॉम को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सरकारी डॉट कॉम से आप सारी जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वहाँ आ जाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं सरकारी डॉट कॉम पर आ चुका हूँ, और यहाँ आपके सामने देखो नीचे आप जब एडमिशन पे जाएंगे, यहाँ देख लीजिए एडमिशन, ही आप जब नीचे जाएंगे एडमिशन सिलेबस किसी का देखना चाहते हैं, सिलेबस आंसर की जो भी आती रहती है, तो आप यहाँ सारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इंपोर्टेंट्स वगैरह है यूपी, ठीक है, और ट्रिपल सी देख सकते हैं आप, सारी जितने यूपी लर्निंग, ठीक है, जो होता है लैंग्वेज वगैरह, उनके सारे नोटिफिकेशन, पैन कार्ड संशोधन वगैरह सब सब कुछ है, आधार कार्ड डाउनलोड वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। अब हमें जो नोटिफिकेशन देखना है वो देखना है बीएड एंट्रेंस एग्जाम, मतलब यूपी बीएड वाला, एडमिशन ओपन 2022। देख लीजिए यहाँ, इसको टिक करेंगे, यहाँ से टच करने के बाद में यहाँ नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा, और यहाँ सिंपल दे रखा उत्तर प्रदेश बीएड, ठीक है, उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में दे रखा है कि आपको देखो जो यहाँ फीस की बात की जाए, ओबीसी और जनरल वालों की 1000 रुपये की है, एससी और एसटी वालों की 500 रुपये फीस है, ठीक है। यदि आप लेट फीस करते हैं, मतलब कह रहा है यदि आप लेट फीस भरते हैं तो आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब कि आपको 1600 रुपये जमा करने पड़ेगा, और वहाँ एससी एसटी वालों के लिए जो करना पड़ेगा वो 800 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 300 रुपये एससी एसटी वालों के लिए और 600 रुपये जो एक्स्ट्रा फाइन पड़ेगा, मतलब कह सकते हैं जो लेट यदि फीस आप फिल करते हो तो, ठीक है, 1600 रुपये। अब यहाँ देख सकते हो नोटिफिकेशन की यदि बात की जाए तो लास्ट डेट नोटिफिकेशन यहाँ नहीं दे रखा है कि लास्ट डेट कब है। एप्लीकेशन विंग की बात करें तो यहाँ देखो 18/4/2022, मतलब 18/4 से आपका जो है ऑनलाइन होना स्टार्टिंग हो जाएंगे, इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट की यहां बात नहीं करने वाले हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे वो 18/4/2022 तक स्टार्टिंग हो जाएंगे लगभग में। और यहां जो बात की जाए आपकी लेट फीस करने की, उसकी भी नोटिस इन्होंने डेट नहीं दी है कब से कब तक होगा, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। तो आप देख सकते हैं कि 18 तारीख से आपके जो भी है, ठीक है, वो यहाँ 18 तारीख से आपके जो आवेदन शुरू स्टार्टिंग हो जाएंगे ऑनलाइन होना। लास्ट डेट यहाँ नहीं दे रखी कब तक होंगे, लेकिन वो भी बहुत देर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी कि किस तारीख तक, मतलब यहाँ अपडेट मिल जाएगी आपको किस तारीख तक लास्ट डेट है, लेकिन 18 तारीख से स्टार्टिंग हो जाएगा। यहाँ लास्ट फीस की बात की, वहाँ भी आपको यहाँ नोटिफिकेशन सुन दिखा रहा है कि आपको यहाँ जो नोटिस है वो आपकी, मतलब कि अभी कह नहीं सकते कब तक आपकी मतलब लास्ट डेट नहीं दे रखी है, सिंपल तरीके से कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम डेट उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 1 से 7 जुलाई के बीच में आपका क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा, मतलब 1 से 7 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, इसमें हमारी यूट्यूब चैनल पेपर हैपर चल रही है, आप दबा के करिए, बहुत अच्छा तरीके से अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं 5 बुक जो हमने आपको दी है, लॉन्च की है, 5 बुक आदि आप पढ़ लेते हो ना तो आपको एक गवर्नमेंट सीट जरूर मिलेगी कॉलेज में, इस बात को याद रखना है, आपको पढ़ना है अच्छे से। 5 बुक हैं, उनका वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां लिखा होगा बीएड प्ले, उसमें लिखा होगा बीएड प्ले स्टोर आल बुक ऐप, ठीक है, लिंक ऐप होगा, उसमें आप टच करेंगे तो सारे ऐप आपको वहां मिल जाएंगे, हमारी साइट पर जाएंगे, साइट को फॉलो कर लेना ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले वहां मिल जाया करें। हमारी पेपर हैकर डॉट इन के नाम से साइट है, आप वहां 5 बुक के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तरीके से हैं, आप सारे लिंक सामने दे रखें, लिंक पर टच करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। 5 बुक हैं, 5 बुक को आपने सॉल्व कर लिया तो आप समझ लेना कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तो यहां आपका जो रिजल्ट की घोषित की बात की जाए, कब रिजल्ट आएगा, तो 5/8/2022 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जो काउंसलिंग स्टार्टिंग हो जाएगी, काउंसलिंग शुरू कब से होगी, तो 10/8/2022 से काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, थोड़ा लेट हुआ है इस बात को बिल्कुल सही है। यहाँ मिनिमम 15 वर्ष ये मार्ग हो गए, मिनिमम अब 9 है, कितने भी हो सकते हैं। और आपको देखो बीएड भाई 1 साल वाला कुछ भी नहीं है, वही है पुराना वाला जो सिस्टम चलता था, बैचलर डिग्री आप करे हुए हैं तो आपको 2 साल का होगा, चाहे आप एमए हो, एमएससी हो, कुछ भी हो, अभी लॉ लागू नहीं हुआ है 1 साल वाला, ठीक है, 2 साल वाला ही है, अगले साल से लागू होगा 1 साल वाला। देखो बैचलर हो या मास्टर डिग्री हो, आपका 50% होना अनिवार्य है, ठीक है, और आप देख सकते हैं 55% मार्क्स होना चाहिए, तो ये सब कुछ दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग यदि आपने कर रखी है तो 55% होना चाहिए, और यदि बैचलर है या मास्टर डिग्री है तो आपको 50% होना अनिवार्य है। 2 साल का आपका बीएड होगा जैसे होता था, लेकिन हो सकता है अगली बार में यदि ऐसा लॉन्च हो जाए कि न्यू 1 साल वाला हो जाए, लेकिन 2 साल वाला दे रखा है, अभी कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। और आपकी स्कीम, आपको जो फीस वगैरह काटनी है वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 तारीख से जैसा भी होगा हम आपको ऑनलाइन करके दिखा देंगे कि किस तरीके से हम अपने सिंपल तरीके से ऑनलाइन करते हैं, तो 18 तारीख का वेट करिए। 18 तारीख के बाद अपनी तैयारी यार प्रॉपर रखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत है कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। बाकी 5 बुक हमने लॉन्च किए, 5 बुक से अच्छी तरीके से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक, ठीक है, और कोई परेशानी आती है तो हमसे बोलिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।